हेलो फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैरियर एक्विजिशन क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन में हमें कैरियर एक्विजिशन की ज़रूरत पड़ती है रिसीवर साइड में। कैरियर एक्विजिशन का मतलब यह है कि सेम कैरियर को वापस से जनरेट करना और उसको यूज़ करना, क्योंकि डिमॉड्यूलेशन में हमको पता है अगर मैसेज को वापस रिकवर करना है, वापस डिमॉड्यूलेट करना है, तो हमको कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। तो टोटल चार टाइप के एनालॉग मॉड्यूलेशन होते हैं, जैसे एक AM मॉड्यूलेशन नॉर्मली बोल देते हैं, जिसका एग्जैक्ट नेम अगर देखा जाए तो DSB FCW है, डबल साइड बैंड फुल कैरियर, जिसमें दोनों साइड बैंड भी भेजा जाता है और कैरियर भी भेजा जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कैरियर ऐड करके भेज रहे हैं तो रिसीवर साइड में वही कैरियर को वापस यूज़ भी कर लेंगे। लेकिन बात कहाँ दिक्कत आती है, DSB SC डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर में, जहाँ दो साइड बैंड तो भेजते हैं लेकिन कैरियर को सप्रेस कर देते हैं एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, पावर वेस्ट ना हो। लेकिन रिसीवर साइड में वो कैरियर अपन नहीं मिल रहा है, अपन को जनरेट करना पड़ रहा है, सेम कैरियर जनरेट करने में दिक्कत होता है कई बार। फिर SSB SC सेम प्रॉब्लम, एक साइड बैंड भेजते हैं और कैरियर सप्रेस कर देते हैं। और तीसरे में BSB SC वेस्टिजियल साइड में सप्रेस कैरियर, कैरियर सप्रेस कर देते हैं। तो देखो दिक्कत क्या आता है, अगर आप कैरियर सप्रेस कर रहे हो ट्रांसमिशन साइड में, सिर्फ साइड बैंड भेज रहे हो, तो रिसीवर साइड में आपको अलग से कैरियर जनरेट करना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि सेम कैरियर जनरेट नहीं हो पाता, कैरियर में थोड़ा फ्रिक्वेंसी डिफरेंस हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी मिसमैच हो जाएगा या फेज डिफरेंस हो जाएगा, जिसके कारण डिस्टॉर्शन होता है। और वो डिस्टॉर्शन कैसे कितना इफेक्ट करता है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो चलो पहले डिस्टॉर्शन कैसे होता है ये देख लेते हैं, है ना। तो देखा जाए तो पहले DSB SC एक अपन मॉड्यूलेटेड सिग्नल लेते हैं, MT cos ωCT, ये अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ये ट्रांसमिट किया जाता है रिसीवर साइड में, ये मिलेगा। अब इसके साथ में अब डिमॉड्यूलेशन में कैरियर मल्टीप्लाई करते हो, तो लोकल जनरेट कैरियर जो रहेगा वो मैं मान लेता हूँ 2 cos ωC प्लस, सपोज फेज डिफरेंस कुछ मिल रहा है मेरे को, सेम कैरियर तो जनरेट नहीं हो पाता है, डेल ओमेगा का फ्रिक्वेंसी डिफरेंस हो जाता है और फेज डिफरेंस जो है डेल का फेज डिफरेंस हो जाता है, तो ये कैरियर जनरेट कर पा रहा हूँ मैं रिसीवर साइड में। तो इसका क्या इफेक्ट, ये जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस और फेज डिफरेंस, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, MT cos, एक तो मिलेगा Del ωt + del और प्लस सम हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब MT cos 2ωC प्लस Del ωt + del, ये मिलेगा। तो देखो लो पास फिल्टर से पास करोगे तो ये एक तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, यही है। तो अपने को क्या मिल गया, MT cos Del ωt + del, ये टी टाइम है, ठीक है। तो देखो एक तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस और ये डेल ओमेगा और डेल जो है फेज डिफरेंस। तो इनिशियली चलो मान लेते हैं कोई एक ही होता है, सपोज़ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो है फ्रीक्वेंसी मिसमैच जीरो है, तो कोई सिर्फ अपन को फेज डिफरेंस मिल रहा है डेल का, तो क्या मिलेगा आउटपुट, MT cos del, ठीक है। तो मैसेज सिग्नल तो मिल रहा है, अभी इनिशियली मान लेते हैं दोनों जीरो है, दोनों जीरो है तो ये भी क्या है, वन मिल जाएगा। तो हमको क्या मिल गया आउटपुट में, एग्जैक्ट मैसेज सिग्नल मिल गया, परफेक्ट आउटपुट। लेकिन जब डेल नॉन जीरो है तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, MT cos del। अगर डेल कांस्टेंट है तो कॉस डेल का भी वैल्यू कांस्टेंट होगा, तो जो आउटपुट है हमको डिमॉड्यूलेटेड आउटपुट है वो एक मतलब मैसेज सिग्नल के प्रोपोर्शनल ही होगा, बस एक अटेन्यूएशन आ जाएगा कॉस डेल का, कोई दिक्कत नहीं, एक अटेन्यूएटेड मैसेज सिग्नल मिल रहा है लेकिन वो डिस्टॉर्शन नहीं है, मैसेज सिग्नल डिस्टॉर्टेड नहीं है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो दिक्कत नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता, टाइम के साथ वेरी होता है फेज डिफरेंस। तो जैसे जैसे आप मैसेज सिग्नल टाइम डिपेंडेंट है,
तो टाइम वेरी होगा तो कॉस्ट ड्राइवर का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, तो ये डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है। तो फेज डिफरेंस डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है। अब देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी मिसमैच नॉन जीरो है और फेज डिफरेंस जीरो है तब क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा। ऐसे केस में आउटपुट क्या मिलेगा, एम टी मैसेज इंटू कॉस डेल ओमेगा इंटू टी। ठीक है, तो देखो ये तो ऑलरेडी टाइम का फंक्शन है, तो मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाई बाई सम टाइम डिपेंडेंट फंक्शन, तो ये डिस्टॉर्शन देगा। तो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस भी डिस्टॉर्शन दे रहा है और फेज डिफरेंस भी डिस्टॉर्शन दे रहा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम जो लोकल जैसे फेज फ्रिक्वेंसी डिफरेंस अगर हम देखें डेल एफ इक्वल टू वन, और थोड़ा सा भी फ्रिक्वेंसी डिफरेंस होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन देता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक एग्जांपल मैं देख रहा था, अगर एक 1 हर्ट्ज का भी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इतना स्मॉल मिसमैच भी होता है तो जो डिस्टॉर्शन है वो इक्वलेंट होगा कि कोई बच्चा 1 सेकंड में 2 बार आपका रेडियो बटन का जो वॉल्यूम बटन होता है उसको अप डाउन कर रहा है, तो इतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो है ना थोड़ा कम है तो हम लोग क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ कर सकते हैं, तो वो लगभग एग्जैक्ट जनरेट करके देता है। फिर भी अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी यूज़ में नहीं आता, उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, ट्रांसमिशन में ही एक एक्स्ट्रा कैरियर ऐड करके भेजना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको कैरियर एक्विजिशन टॉपिक समझ आ गया हो। ठीक है, थैंक यू।